पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान उन्होंने पंजाबी भाषा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करेगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए किसानों, गरीब परिवारों, सरकारी कर्मचारियों से लेकर लगभग सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। घोषणा पत्र में छोटे किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया गया है, तो वहीं गरीब परिवारों की बेटी के लिए पीएचडी तक की पढ़ाई मुफ्त करवाने की बात भी कही गई है। पार्टी ने वादा किया है कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा, साथ ही कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल की जाएगी। पार्टी ने आतंकवाद प्रभावित परिवारों को 5 लाख रुपए की सहायता देने का भी वादा किया है। वहीं इस दौरान पंजाब में विकास को प्राथमिकता बताते हुए जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से जीएसटी लाने का लक्ष्य रखा है। जीएसटी के फायदे बताते हुए जेटली ने कहा कि इससे सरकार की आय बढ़ेगी और पंजाब का विकास होगा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से देश और राज्यों की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, डिजिटल लेन देन से गरीब के खाते में सीधा पैसा जा सकेगा और उसमें कोई कटौती मुमकिन नहीं हो सकेगी। पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार ने आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बहुत काम किया है। जेटली ने कहा कि हमारा गठबंधन पहले की तरह जारी रहेगा और राज्य के विकास के लिए आगे बढ़कर काम किया जाएगा। तो बीजेपी ने भी पंजाब में अपना लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस जैसे चुनावी वादों की झलक देखने को मिली। घर, नौकरी, शिक्षा से लेकर किसानों के कर्ज माफी का ऐलान बीजेपी ने मैनिफेस्टो में किया है। देखते रहिए डीबी लाइव।